इंसान मुस्लिम होता है, मोमिन होता है, लेकिन उसको इस्लामी आदाब, इस्लामी अहकाम नहीं मालूम है। हत्ता कि कुरान जो हमारी मुकद्दस किताब है, कुरान करीम की सूरह फातिहा पर उसे याद है। तो ये चीजें क्या है कि इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म के बिना इंसान की जिंदगी समझ लिए कि जो एक इंसान बहाई और जानवरों की जिंदगी गुजार रहा होता है। तो बहरहाल अब आप लोगों के दरमियान हम ज्यादा ना हायर होते दिए, अब इस नशिस्त के दूसरे मुकर्रर और खतीब शेख शमीम फौदी हफिज़हुल्लाह जो हमारे दरमियान मुतआरफ हैं, शेख शमीम फौदी हफिज़हुल्लाह ने हिंदुस्तान के मारूफ इदारे माहज से उन्होंने फरागत हासिल की। फरागत के बाद में जामिया इस्लामिया से फरागत हासिल करने के बाद तकरीबन 13 या 14 साल से शेख मौसूफ IRF में दावती और दीनी और तहकीकी सरगर्मियों में लगे हुए हैं, और शेख मौसूफ शायद तो ऐसी कॉन्फ्रेंस इज्तिमा होती हूँ कि जहाँ पे इनकी शिरकत ना होती हो, मुतारफ हमारे दरमियान, तो हम बड़े ही अदब एहतराम से शेख मौसूफ को दावत दे रहे हैं कि आए। और इनके खिताब का मौजू है बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार। शेख मौसूफ तशरीफ लाए और अपने मौजू की वजाहत किताब और सुन्नत की रोशनी फरमाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني मोहतरम हाजरीन मस्जिद, दीन मिली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान मिली दोस्तों और वाज़स ख़वातीन इस्लाम, ये बड़ी खुशायन बात है न सिर्फ मुमरा वालों के लिए बल्कि बाशिंदगाने मुंबई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल फाउंडेशन की तरफ से ये सकाफ़ी मुसाबका स्पेशली ख़वातीन के लिए मुनक़िद किया गया। इसमें शेख शमी मदनी साहब के बताने के मुताबिक तकरीबन 450 ख़वातीन ने हिस्से लिए। किताबें उनको पहुँची हैं, शायद सी बात है किताबें घर वालों ने भी पढ़ी होंगी, देखी होंगी, और ये उन्हीं मसाइल से मुतालिक हैं जो ख़वातीन के साथ खास है। बहरहाल इसकी इफादियत का इनकार कोई दिशा और इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन ख़वातीन को जिन्होंने शिरकत की है, अल्लाह उन्हें पढ़कर न सिर्फ इनामात से नवाजे बल्कि उन्हें इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, दावा किया है, जिस अंदाज में भी अल्लाह ताला उसे भी कबूल करवाए, बाइस निजात बनाए। बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार, अगर मैं आप हजरात से पूछूं कि आज हमारे नौजवानों, हमारे
हालों के बिगाड़ के असबाब क्या हैं, तो इस पस मंजर में शायद आपको ये भी कहना पड़े और यकीनन कहना पड़ेगा कि माशरे के बच्चों पर माओ की गिरफ्त मजबूत नहीं है। दूसरे लफ्जों में हमने तरबियत याफ्ता माएँ इन बच्चों को नहीं फराहम किया है, हमने इनको वो तालीम और तरबियत नहीं दिलाई शरीयत इस्लाम ने जिसका तकाजा किया, जिसकी वजह से माशरे में ये उतार चढ़ाव, ये नशीबो फराज, ये गहमा गहमी और अफरा तफरी हम देख रहे हैं कि बाप परदेश को कमाने चला गया, घर में माँ है, बच्चे जिसके हाथ से निकले थे, इसलिए कि वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है तो बच्चों को कंट्रोल कैसे करेगी, क्या सिखाएगी, वो तो खुद घर में बैठकर भी जहनी अय्याशियों का शिकार हो गई है। वही टीवी, वही चैनल, वही लैपटॉप, वही कंप्यूटर और वही तमाम बुराइयों के सामान जो कभी बाहर बिका करते थे, अब हम उसे अपने घर में लेकर बैठ गए। मुझे वही मां जहनी अय्याशियों का शिकार हो जाएगी, खुद वही रिमोट बनकर इन चैनलों को बदलेगी, बच्चों को सिखाएगी क्या चैनल इस तरह बदला जाता है। शायद ने कहा था अल्पम मदरसा तो निधन आदत आदत शाबन तयीबन आवाजी, माँ को अगर किसी ने तरबियत दे दी तो वह एक मदरसा है, माँ को अगर किसी ने पाल पोस कर तरबियत याफ्ता बना दिया वो एक मदरसा है जिसकी गोद में नस्ल पलने वाली शाबन तो ये भले राती आदमी तो है इंसान, तो यकीन कर कि अगर ये माँ तैयार हो गई है तो एक पूरी नस्ल इसके पीछे तैयार हो जाएगी, तरबियत याफ्ता हो गई। माँ इसका मकाम मर्तबा क्या है, माओ का किरदार बताने से पहले हम उसका मकाम समझ लें, खुद वो ख्वातीन अपना मकाम मर्तबा जान लें, इसलिए कि मकाम मर्तबा अगर परख लेंगी तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना उनके लिए आसान हो जाएगा। इस्लाम ने जो उनको मकाम दिया है वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सुनन नसई हदीस नंबर 3106 एक सहाबी रसूल हजरत मुआविया बिन जाहमा रजी अल्लाह वो कहते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा अरबतुल ग़ज़वा या रसूल अल्लाह वजीतुका अस्तशीरु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे ग़ज़वे में जिहाद में जाने की इजाज़त दे दी, मैं जाना चाहे नौजवान मुट्ठा करता हूँ, शमशीर और सनान चला सकता हूँ, तीर तफंग का मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए। जी तो का अस्तशीरु मैं आया हूँ आपसे मशवरा लेने के लिए आपकी इजाज़त के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल्लका उम्मन, माँ है आपके पास, अला नाम हाँ है तो बूढ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा फल्ज़महा فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا, اے معاویہ جاؤ ماں کے ساتھ چمٹ کر رہو, ماں کو لازم پکڑو, کیوں اس لیے کہ تمہارے لیے بڑا جہاد ہے, جنت تو تمہاری اسی ماں کے قدموں تلے ہے, یہ ہے ماں کا مقام, یہ ہے ماں کا رتبہ, اس لیے کہ اس ماں نے اس بچے کو 9 ماہ تک अपने पेट में रखकर अपने आप को सवारी बनाकर उसे खोजा है, इसलिए कि इस माँ ने जिंदगी की तकलीफ को बर्दाश्त करके चीखो पुकार के साथ इसे जन्म दिया है, वो चीख कि उस एक चीख
का बदला ये औलाद जिंदगी हर खिदमत करके अदा करना चाहते तो नहीं कर सकते। ये गुमान जिसको मरबिया होने का हक हासिल है, जो इस नस्ल नौ की तरबियत करने वाली सबसे बड़ी हस्ती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे नबी की प्यारी हदीस कह रही है, सही बुखारी किताबुल जुमा हदीस नंबर 883 आप उसमें पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिह। सुन लो, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, चरवाहे हो, तुमसे तुम्हारी रेवड़ के बारे में पूछगछ होगी, कैसे निभाया, क्या किया। अल इमाम राइन व मसूलुन अन रईयतिह, इमाम वक्त खलीफे वक्त वो जिम्मेदार है उसकी रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा। और ये बीवी की खातों जो बीवी की शक्ल में घर के अंदर है अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उससे भी उसकी रियाया यानी शौहर का घर उसकी हिफाजत, इसी तरह शौहर के बच्चे उनकी तरबियत, इसके बारे में पूछा जाए। ये तरबियत की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं, अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है इस माँ को कि ऐ माँ तू अपने किरदार को निभा, ऐ माँ तू अपने इन नसियों की तरबियत कर, तब तेरी गोद से खालिद बिन वलीद पैदा होंगे निकलेंगे, तेरी गोद में उमर बिन खत्ताब जन्म लेंगे, तेरी गोद में वो लोग आएंगे जिनको किसी दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा गया, जिनको किसी दौर में मुसन्नब बिन हारिसा के नाम से याद किया गया, मुख्तलिफ अल्फाज को आघात दिए गए, ऐसे जियाले तुम्हारी गोद में जन्म लेंगे। ऐ मां तो अपनी किरदार को निभा, लेकिन माओ को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। आज आखिर क्या बोलेंगे कि आज की नई नसीब इसको फिक्र तो है जन्नत पाने की, लेकिन जन्नत पाने के रास्ते में जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए तैयार। आज इस नस्ल को फिक्र तो है दुनिया में कामयाबी पाने की, लेकिन शरीयत के बताए हुए तरीकों पर चलने के लिए नस्ल तैयार नहीं। आज इस नस्ल को फिक्र तो है रोजाना सुबह उठकर करोड़पति बनने की, लेकिन इस्लाम के उसूलों पर चलते हुए हलाल रोजी कमाने के लिए नस्ल तैयार नहीं। असल वजह क्या है, कमजोरी कहाँ है? एक कमजोरी ये भी है कि नस्लों ने अच्छी मां को नहीं पाया, दीनदार मां खो दिया इन्होंने, तरबियत याफ्ता माए इनको नहीं मिली और इसलिए राजनाथ से भटक गए। मकसद को पाने में नाकाम रहे, ना यहाँ के रहे ना वहां के। अब देख लीजिए सभी खवातीन इनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, इसलिए कि इसके बारे में इनसे सवाल होगा और उनका किरदार इतना अहम है तबीयत औलाद के बाप में, इसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। नंबर एक इस वजह से कि माए बच्चों के साथ इनको ज्यादा वक्त मिलता है, बोलो मिलता है कि नहीं। एक शौहर यानी बच्चों का बाप अपनी बीवी का शौहर, वो कमाने के लिए बाहर गए, सुबह पजर पड़ी नाश्ता किया टिफिन ले लिया और चला गया, कहीं 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कहीं 10 घंटे ड्यूटी करके तब आ रहा है, उसके 10 घंटे के बाद या कम से कम 8 घंटे के बाद बच्चे से मुलाकात है। जब तक ये बच्चा और बच्ची किसके साथ है, बोलो किसके साथ? माँ के साथ। जिसको बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका ज्यादा मिल रहा है अल्टीमेटली वो उनकी तरबियत की ज्यादा जिम्मेदार होती है, बोलो है कि नहीं। इसलिए कि उनके अच्छे बुरे को वही देख रही, उनके अच्छे बुरे से वही वाकिफ है, उसी को पता है कि मेरी बच्ची ने आजाद हुई तो नमाज पढ़ा या मस्जिद बनाया या नहीं, मेरा बेटा मस्जिद को गया या नहीं, और आखिर क्यों रुका हुआ है, क्या वो सो रहा है या वो कंप्यूटर से लगा हुआ है या वो लैपटॉप के पीछे पड़ा हुआ है या वो मोबाइल लेकर के गेम्स खेल रहा है
अच्छी तरह से इनकी तबियत पे अच्छा रोल अदा कर सकती है, उनको अच्छाई का हुक्म दे सकती है, बुराइयों से रोक सकती है शौहर के मुकाबले में ज्यादा। नंबर दो, इसलिए भी माँ का किरदार अहम है क्योंकि ये माँ बच्चे इसकी ममता से ज्यादा करीब होते हैं, इसकी लोरियों से बहुत मानूस होते हैं। अपने मन की बात कभी करनी हो तो इसी की गोद में बैठ के करते हैं, इससे चिपक के करते हैं। मां मेरे टीचर ने मुझे काम दिया है जिसमें फला फला खर्च है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, ऐ मां जरा आप उसे बोलेंगे दिला दो ना। और बेटियों का क्या कहना, बेटियां तो माओ से ज्यादा करीब होती ही है, इसलिए कि अपने राज की बातें वो अपने माई से कर सकती है, बहुत सारी बातें जो अपने बाप से वो शेयर ही नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह मंजूरी ने मुख्तसर सूरह बदाउद में ये बात लिखी है, अल बनात इलैकुम महाती अमीर वल कौलिहिन अरगब, कि ये बेटियां माओ की बातें ज्यादा सुनती है, उनकी बातों की तरफ ज्यादा मायल होती है। अगर ये बेटियां और ये बेटे माओ से ज्यादा करीब है, उसकी ममता से, उसके प्यार से, उसकी मोहब्बत से ये चिमटे हुए हैं, अगर माँ उनका कहा हुआ उनको दिलाती है, अगर माँ उनके दिमाग को पूरा करती है, अगर माँ उनके मुतालबात का ख्याल करती है, अगर ये माँ उनको हुक्म देती है बेटे नमाज पढ़ो, वो लोग सुनेंगे कि नहीं, अगर ये माँ हुक्म देती है बेटी नमाज पढ़ो, वो लोग सुनेगी कि नहीं, वो बेटी जरूर सुनेगी, इसलिए कि यही माँ है जो उसके हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। अब जब माँ ने पूरा कर दिया है तो आखिर इस बच्ची को और इस बच्चे को भी तो पूरा करना है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो हमारे सामने है। मैं अपना किरदार निभाने के लिए अगर तैयार हो जाए, अल्लाह की कसम हमें एक ऐसी नस्ल मिलेगी जो तबीयत याफ्ता होगी, जो दीनदार होगी, जो परहेजगार होगी, जो समाज और माशरे के लिए फायदेमंद होगी। आओ, क्योंकि वक्त नहीं है, आपके यहाँ समाचार की अजान है, मैं इंशाल्लाह उससे 5 मिनट पहले खुतबा खत्म कर दूंगा। अल्लाह से तौबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे समेट कर बयान करने और हम सबको बतौर खास उम्मत की माओ को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने बोला कि खवातीन ने सहाबे किराम के दौर, ताबईन के दौर, नबी के दौर की खवातीन ने किस तरह से नई नस्ल अपने नस्लों की उन्होंने तरबियत की, इस तरह से वो फिक्रमंद रहती थी, और जब उन्होंने अपना किरदार निभाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी नस्ल तैयार की जिन्होंने दीन का डिफेंस किया, दीन को फैलाने के लिए अपनी जान की हथेली पर लेकर निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह न कोई समरकंद बचा, न कोई बुखारा, न कोई खुरासान, न कोई इराक, न कोई यमन, तमाम रियासतों को फतह करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि हिंदुस्तान में भी वो जियाले पहुंचे और इस्लाम का परचम हमें बुलंद हुआ। आज इस्लाम की आगोश में हम भी सांसें ले रहे हैं, ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। ये कौन थे जो अपने माओ की आगोश में पले थे, जिन माओ ने इनका ख्याल किया था। आपने अभी सुना उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, हज़रत अनस की माँ, एक उम्मे सुलेम नहीं कितनी उम्मे सुलेम है जिनको इस्लाम ने पैदा किया और जिन्होंने अपना किरदार निभाया। क्या आपने इस्माइल की माँ को भुला दिया है? इस्माइल की माँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम कौन जानते हैं जी? हजरत हाजरा। हजरत हाजरा को अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम ने ले जाकर मक्का की बंजर जमीन में आबाद कर दिया। किया या नहीं? कोई नहीं, कोई आबादी नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, आबाद कर दिया, और उन्होंने कबूल भी कर लिया कि जाइए, अगर अल्लाह का हुक्म है उसके हुक्म से आप मुझे छोड़ कर जा रहे हो, ये खजूरें देकर और ये मशीना पानी देकर, तो जाओ, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। क्या भरोसा था खातु, क्या एतमाद था अल्लाह के ऊपर उस बंदी का? हजरत इस्माइल को लेकर वहां आबाद हुई, शौहर की गैर मौजूदगी में अपने बेटे इस्माइल को पाला, ऐसे अंदाज में तरबियत की कि उनके तरबियत याफ्ता होने की गवाही कुरान करीम ने दी। कैसा लाडला था वो जो हाजरा की गोद में पला था। इब्राहिम ख्वाब देखते हैं, वो बच्चा जो 80 साल की उम्र में मिला उसके बारे में ख्वाब देखते हैं। ये कुरान करीम की सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 की आयत नंबर 102 में मौजूद,
कई बार ये ख्वाब देखते हैं और अल्लाह आकर के बयान करते थे इतनी आवा कई मैंने भी अन्नी अल्बाह का फंजुर माता था हाजरा का तरबियत याफ्ता बच्चा इस्माइल जिसने आंखें खोली दीन के माहौल में वो पले बढ़े माँ ने उनको पाला पोसा वो जिशाऊर हो गए होशो हवास में आ गए अच्छा और बुरा पहचानने लगे हक और बातिल की खबर रखने लगे ऐसे उन्होंने इब्राहिम को ये ख्वाब आता है बयान करते हैं कि ये मेरे लगते जिगर मैंने देखा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से दबा कर रहा हूँ फंजुर माजा तरा देख लो क्या ख्याल है तुम्हारा इस्माइल देखो अपने बच्चे से इब्राहिम कहते हैं फंजुर माजा तरा यू हैव टू सी इनटू द मैटर व्हाट इज योर ओपिनियन इस्माइल बता क्या कहता है इस्माइल है मेरे बेटे मैंने ऐसा ख्वाब देखा वो बच्चा जिसने हाजरा की गोद में आंखें खोली थी तरबियत पाई थी माँ ने जिस लाखों प्यार से इस्लामी माहौल में उसको पाला था जरा उनका जवाब सुनिए आगे है दुनिया अगर इसे गेस कर सकती है तो ऐसे ही बच्चों से जिन्होंने इस्लामी माहौल में पढ़ सकती है उनसे ऐसे जवाब की उम्मीद दुनिया रख सकती है कि वो हाँ में जवाब देंगे अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे रसूलुल्लाह के हुक्मों और उनके तात और फरमान बरदारी में अपने आप को ले आएंगे और उसी दायरे में रहते हुए वो अपने माँ बाप की भी फरमा बरदारी करेंगे किससे उम्मीद है जो तरबियत याफ्ता इस्लामी माहौल जिनको मिला हो जिनको हाजरा जैसी माँ भी हो आज हमारी उम्मत में हाजिराएं हैं लेकिन एक का दुख है काश इनकी कसरत हो जाती तो फिर इस्माइल पैदा होते इनकी कसरत हो जाती तो फिर इसहाक जन्म लेते और उम्मत को ऐसी नसीब नहीं थी जो मिसाल है ये एक हजरत क्या हमने खंसा का वाकया भुला दिया है हजरत खंसा सहाबी है जिनका वाकया इमाम तबरी ने अपनी तारीख तबरी में जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 188 पर नकल किया है बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे मनाजिर और मस्जिद में वाकया दर्ज है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जंग क़ादसिया हुई बहुत मशहूर है हमारे बच्चे तारीख में पढ़ते हैं मुसन्न बिन हारिसा उसके कायद लश्कर उसके कमांडर जब इसका ऐलान होता है मुनादी कराई जाती है तो उसी लश्कर के साथ खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चार बेटों के साथ जाती है कल सुबह को जंग होने वाली है फौज के सामने सामना होने वाला है रात को ये खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चार बेटों को अपने सामने बिठाती है और एक छोटा सा खुतबा देती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना बयान करने के बाद उनको हवाला देती है कि मेरे बेटो देखो तुम अल्लाह की राह में कुफर के खिलाफ लड़ने की फजीलत को जानते हो अच्छी तरह से बातें को सुन लो तुम उस माँ के बेटे को जिसने तुम्हारे बाप की खयानत कभी नहीं की जिस तरह तुम एक माँ के बेटे हो ऐसे ही तुम एक बाप के भी बेटे हो जिसने तुम्हारी तरबियत में कोई नकी का बर्दाश्त नहीं किया कल सुबह को जंग होने वाली है अल्लाह का नाम लेकर ए जियालो ए मेरे बेटो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए मुकाबला आरा हो जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फतह नसीब फरमाए माँ की दुआएं लेकर सुबह का सूरज जब निकलता है ये बच्चे तमाम फौजों के साथ सफारा को जाते हैं चार बेटे एक
हुई तो तुम उसमें कूद पड़ना, ये मान लियो ऐसे। और हुआ ही हजरत खमसा की ये नसीहत, हजरत खमसा का ये छोटा सा खुतबा, हजरत खमसा की ये वसीयत बिल्कुल चाहो बेटो ने सुना, कबूल किया और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। हुआ यही सफाई हुई, जंग हुई और इसमें लड़ते हुए ये चारों बेटे शहीद हो गए। चारों बेटे शहीद होते काम आ गए, लेकिन लेकिन हजरत खमसा का, हजरत खमसा का रिएक्शन क्या था, हजरत खमसा ने उस मौके पर क्या कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़्ज़नी बिस्तिशहादी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफनी बिस्तिशहादी बिशहादती, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे शर्फ और मकाम अता फरमाया है मेरे बेटे की शहादत की, मुझको मकाम अता किया कि मैं शहीदों की मां बन गई, व अर्जु मिन रब्बी अन यजमअनी बिहिम फी मुस्तकर रहमती, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपने बेटों के साथ आखिरी आरामगाह जो जन्नत है वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा फरमाएगा, मैं शहीदों की मां बन गई, मेरे लिए बड़ा शर्फ। ये खमसा जिन्होंने अपने बेटों को पाला पोसा और उनको ये नसीहतें की और इस तरह से उनके शहीदों का मां, शहीदों की मां बनने का शर्फ हासिल हुआ और यकीनन उनके लिए बाइस इफ्तिखार था। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को कौन नहीं जानता है, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने तक हयात रहे, 691 ईस्वी की बात है। उस मौके पर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ की कमांडरी में मक्के को एक लश्कर भेजा, इत्तेफाक से वहां मक्के की खिलाफत के हकदार अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे, उनकी टोली भी थी, लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के कमांडर हज्जाज बिन यूसुफ ने वहां पहुंचते ही उसका मुहासरा कर लिया। हरम के अंदर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजरबंद हो गए, सिर्फ उनको अपने घर वाले माँ से मिलने की इजाजत थी। हजरत उनकी माँ कौन है, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर। अस्मा बिनते अबू बकर कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा की बड़ी बहन, हजरत अस्मा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की माँ, अबू बकर की लाडली थी अस्मा, अस्मा के बेटे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ के लोगों ने उनका घेराव कर लिया और हालात ऐसे हो गए कि बस शायद आज या कल उनको कत्ल कर दिया जाए, शहीद हो जाएंगे। अपनी अम्मी के पास आते हैं, अम्मी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अम्मी देखो हालात ऐसे हो गए कि अब हमारे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए अब्दुल मलिक बिन मरवान इनके कमांडर हज्जाज बिन यूसुफ ने सबका मुहासरा कर लिया, सब छोड़ कर चले गए। माँ आपका मशवरा क्या है, मैं लेने आया, अगर मैं अभी अपने हिसाब से दस्तबरदार हो जाऊं, मैं ऐलान कर दूं कि मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान के साथ हूं, तो कि दुनिया के जाओ माल मुझे मिल जाएगा, मुझे कुर्सियां भी सौंप दी जाएंगी, मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, हिरासा भी नहीं किया जाएगा, ऐ मां मैं आपका मशवरा लेने आया हूं। वो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्होंने पाला था कहती है, मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, ये बेटे तुम और तुम्हारे मिशन के बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इत्मीनान बख्श अगर कोई इल्म है तो वो तुम्हारे पास, देखो अगर तुम हक पर हो तो डटे रहो, इसलिए कि इज्जत वाली शहादत, इज्जत वाली मौत इस जिल्लत वाली जिंदगी से बेहतर है, तुम इज्जत के साथ शहीद हो जाओ, मेरी नजर में और अल्लाह की निगाह में बेहतर है इस बात से कि तुम जिंदा हो, तुम्हें कोड़े मार मार कर जलील किया जाता है। ऐ बेटे अगर वाकई तुम समझते हो कि तुम हक पर हो, तुम्हारा मौके पर हक है, तुम खिलाफत के हकदार हो तो कायम हो, अगर तुम इससे फिरते हो तो कुछ भी कबूल करके नहीं जाओ। कहते हैं माँ मेरी भी यही राय थी, लेकिन
मैं आपकी दुआएं लेने आया था, आपका मसला पूछने आया था, लेकिन मां मुझे डर है कि मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा मुसला बना देंगे, मेरे हाथ पैर नाक कान सब काट कर अलग कर देंगे। ऐसे मौके पर मां क्या कहती है, हजरत अस्मा के अल्फाज सुनिए, कहती है या बुनैया इन शाता ला यदुरुहा सरखुहा बादतन हैता। मेरे बेटे जब बकरी जबह कर दी जाती है तो उसके बाद चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए, चाहे उसकी बोटियां बना दी जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नुकसान उसका नहीं होता है, कोई तकलीफ उसको नहीं होती। बेटे अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाओ तो तुम्हारी बोटी के लिए बना देते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हक पर हो तो बेटे माँ की दुआएं लेकर निकले, अरे माँ मेरे बात गमगीन मत होना, अपना मामला अल्लाह से कर देना, मैं जा रहा हूँ और शाम को शायद तुम्हारे पास ये खबर हो, खबर हो ये खबर लेकर कोई आए कि मुझे कत्ल कर दिया, ऐ मां मेरे लिए दुआएं। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला को निकलते हैं, उसी मुहासरे में रहते हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाहियों ने कत्ल किया। ऐसा दर्द, ऐसा जिगर, ऐसा दिल लगने वाली माए का हक के लिए और जाने वाली, हक के लिए अपने बेटों को वसीयत करने वाली माए कहाँ है? आज दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए ये माए झूठ बोलती है बच्चों के साथ, अल्लाह के कसम झूठ बोलती है, कभी मोबाइल पर, कभी फोन पर, कभी झूठ बोलवाती भी है, बैठे ऐसा बोल दो झूठ, थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए कहाँ है अस्मा, कहाँ है आयशा, कहाँ है हाजरा, कहाँ है उम्मे सुलेम, और कैसे पैदा होंगी जब हम उनकी तरबियत करेंगे, इनको ऐसा माशरा देंगे, इनको ऐसा समाज देंगे, इनको ऐसे इदारे देंगे, इनको ऐसे ट्रस्ट देंगे, इनको ऐसे मदरसे और स्कूल देंगे जहाँ पर इस्लामी तरबियत को, और जब इन तरबियत गाँवों में हमारे बच्चे और बच्चियाँ परवरिश पाएंगी और माँ की गोद से ये उठेंगी, जो माँ दीनदार है, जो माँ परहेजगार है, जो माँ इस्लामी तालीम वाली है, तरबियत याफ्ता है, तो हमारे बच्चों पर भी उनकी छाप पड़ेगी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को कौन नहीं जानता, सवा पर अल्लाह नबी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, अल्लामा दाऊद राज ने जो सही बुखारी का तर्जमा किया है, उर्दू जानने वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, दाऊद राज साहब का जो तर्जमा है पहली जिल्द उसकी उठाई, उसके मुकदमा में ये वाक्य उन्होंने भी दर्ज फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे गौ वाकिफ नहीं है, हर बच्चा जो हदीस के बारे में जानता है बुखारी के बारे में जानता है कि बुखारी कैसे पैदा हुआ। इमाम बुखारी जिनकी माँ की शादी इस्माइल से हुई थी, जो एक आलिम फाजिल थे अपने वक्त के, उनके बाद इमाम बुखारी के कराम पे मुहम्मद ये पैदा हुई, लेकिन बचपन ही में इनके वालिद इस्माइल का इंतकाल, इनकी माँ ने इनको पाला पोसा, और अभी ये बचपन ही में थे, कुछ दो चार साल की उम्र थी इनकी, कि इत्तेफाक से वो माँ जिनको आलिम बनाना चाहती थी, अपने शौहर की तरह फाजिल बनाना चाहती थी, लोगों का खिदमतगार बनाना चाहती थी, उस माँ की हसरतें थी कि मैं आलिम बनाऊंगी, फाजिल बनाऊंगी, मुफ्ती बनाऊंगी, फलां फलां ताकि समाज के काम आए, इत्तेफाक से इमाम बुखारी नबीना हो गए। वो माँ जिसकी हसरतें थी, ऐ काश मेरा बेटा आलिम बनता, ऐ काश मेरा बेटा फाजिल बनता, ऐ काश मेरा बेटा मुफ्ती बनता, लोगों के काम आता, खुद उसके घर में रोशनी रहती और समाज और माशरे में रोशनी फैलाता, मायूस हो रही है, लेकिन नहीं, अल्लाह का दरवाज़ा उन्हें पता था कि खुला हुआ है, हम वहाँ दुआएं कर सकते हैं, हम अपने बच्चे के लिए बेहतरी की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह वो अल्लाह के दरवाजे को खुला पाकर, और जो हर एक के लिए खुला हुआ है उनकी नमाजें हर नमाज में दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी ये तमन्ना थी कि मैं अपने बेटे को दीन के लिए वक्फ करती, आलिम फाजिल बनाती, मुफ्ती बनाती, दीन का खिदमत गुजार बनाती, अल्लाह तू जानता है अगर इस बेटे के लिए ये हक है कि वो इल्म हासिल करे तो अल्लाह ये रुकावट जो रास्ते में आ गई, वो नाबीना हो गया, अंधा हो गया है, वो सफर नहीं कर सकता, यहाँ वहां नहीं जा सकता, और अम्मा के पास अल्लाह ये दूर फरमा, रात को उठ कर तहज्जुद की नमाज में रोती और गिड़गिड़ाती है, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे, ये दोनों आंखों का अंधा हो चुका है, जो बीना था देख रहा था, दोनों आंखों वाला था, अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, एक रात को ख्वाब देखती है, सुभान अल्लाह,
ख्वाब देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और कहते हैं या हाज़ी अदरकल्लाहु अला नकी बसरहु बिकसरत दुआतिक। ऐ फलां ऐ मोहम्मद बिन इस्माइल ईमान ये देख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी दुआओं की वजह से बकसरत दुआएं जो करती थी अल्लाह ने तेरे दुआओं की वजह से तेरे बेटे की बिनाई वापस लौटा दी। ये देख सुबह होती है वो फजर में अपने बेटे को जगाती है, मैंने ख्वाब देखा है सुभान अल्लाह ये बेटा दाना और बीना नजर आ रहा है, उसकी आंखें वापस आ गई है खुशी के मारे, उनकी खुशी का क्या क्या कहना मेरा बेटा। अल्लाह ने उसको आंख खोला इस तरह से वो माँ बराबर अपने बेटे को बिनाई वापस आने के बाद उनकी तरबियत करती रही, उनको पढ़ाने लिखाने में चूंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छा खासा मान भी छोड़ा था उनको वो पढ़ाती रही तरबियत करती रही बिनदीन हासिल करने पर तर्दीद देती रही। हुआ ये कि आज वही उनका बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल क्या बन गया बुखारी सही बुखारी लिखने वाला। वो किताब उसके उनके हाथों से तहरीर हुई जिसको असहब किताब बादा किताब अल्लाह कहा गया, कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब इस जमीन पर अगर कोई है तो कौन सी बोलो सही बुखारी। माँ उनकी तबीयत का नतीजा वक्त हो गया है अजान का इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। एक बात और मुझे कहने की वो दे रहा है तो इमाम को चाहिए कि वो खुद पहले तरबियत हासिल करें तालीम ले और फिर अपनी आने वाली नस्लों को इस्लामी तरबियत देने की फिक्र में लग जाएं और अमली मैदान में कूद पड़े ताकि फिर से इमाम बुखारी फिर से कोई इमाम मुस्लिम फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी और फिर से कोई मुसन्ना बिन हारिसा फिर से कोई उमर बिन अब्दुल अजीज और फिर से कोई उमर बिन खत्ताब और सहाबे किराम जैसी सिफत वाला इंसान आए ताकि वो समाज के लोगों के लिए मुफीद हो मुमित हो मुआविन हो। मैं एक आखिरी बात जो कहना चाहूँगा कि खवातीन आज माशरे में जो चीज़ देख रहे हैं कि कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाने के लिए वक्त से पहले जगह पर बैठा देती हैं स्कूल लेट ना हो, इसलिए कि सेंट जोसेफ में बच्चा जा रहा है, इसलिए कि स्वामी विवेकानंद में पढ़ा रही हूँ, वक्त से पहले पहुँचना चाहिए रिजल्ट अच्छा आना चाहिए शिकवे शिकायत नहीं। लेकिन क्या इसी माँ ने बच्चे को नमाज से पहले जगाया है? क्या इसी माँ ने बच्चे को वजू का बच्चे के लिए वजू का इंतजाम किया है? नहीं। दुनिया के बारे में हमारे खवातीन की तड़प उनकी उम्र में बहुत तवील उनकी फहरिस्त बड़ी लंबी लेकिन दीन का मामला जब आता है तो बहुत पीछे है। इस तालुक से उन्हें बेदार होने की जरूरत है और ऐ मेरी माँ और बहनों ये समझ लो कि अगर आपने इन बच्चों को पाला पोसा दीन तरबियत दे दी तो यहाँ सत्ताएं जारिया बनेंगे आपकी आंखें बंद होने के बाद भी इनके काम इनकी दुआएं आपके काम आएंगी। जिन जिन लोगों ने इनकी तरबियत में हिस्सा लिया होगा आपको रबियतुल राय की बात सुनाऊं जिसको अलामा दारकुतनी ने इस वाक्य पर कुछ कलाम किया है। तुम्हारे खर्च वर्ष का है देखना तुम
चले गए। अल्लाह ताला ने लिखा है कि 27 साल के बाद उनकी वापसी, जब बेटा पैदा होकर जवान हो चुका है, घर आते घर में बीवी के साथ थोड़ी देर रहने के बाद, खाने पीने के बाद थोड़ी रात हुई, पूछते हैं कि मैंने याद है मेरी बीवी, मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे 30,000, कहाँ तक दिए, क्या हिसाब है उसका? वो जवाब देते हैं कि मैंने उसे दफन किया हुआ है, निकालूंगी मैं उसे और आपको बताऊंगी। जाकर के आप नमाज को पढ़ दिया, नमाज का वक्त हो गया, और देखा मस्जिद में नमाज के बाद एक कुर्सी लगी है, एक मसनद है, वहां पर दर्श ले रहे बड़े बड़े उलमा किराम, बड़े बड़े लोग वहां बैठ करके नमाज कर रहे। इमाम मालिक थी, जिनको इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है, उन्हीं की शादी हुई, वो भी बैठे हुए। इन्होंने नमाज के बाद गौर से देखा, इत्तेफाक से इनके बेटे का चेहरा उस बोतरे से काफी ढका हुआ था, पहचान नहीं सके। लेकिन लोगों से पूछा कौन है, तो लोगों ने बताया ये रबीया इब्न फर्रूक। मन मन में बहुत बहुत खुश हुए, 27 साल के बाद है रबीया इब्न फर्रूक। घर गए और कहा, मोहतरमा मेरी बीवी एक अजीब चीज से देखी है, मेरे बेटे रबीया को अल्लाह ने कोई हिंदू मकाम अता फरमाया कि बड़े बड़े लोगों को मकाम अता नहीं। बीवी कहने लगी कि अब ये बताइए पर लोग मेरे सरदार कि 30,000 दिरहम आपने मुझे दिया था, वाकई असल में ज्यादा कीमत रखते हैं या आपके बच्चे का ये इल्मी मकाम और मर्तबा, इतने बड़े बड़े लोग उसके साथ बैठ करके सीखते हैं? इसका मैं जवाब दिया, कहा कि यकीनन मेरे बेटे का इल्मी मर्तबा और जो मकाम है, ये मेरे नजदीक बेहतर लगता है। 30,000 की क्या कीमत है? कहा सुन लो, मैंने वो 30,000 दिरहम जो आप देकर गए थे, मैंने किसी बच्चे को पढ़ाने सिखाने उसको तरबियत देने पर खर्च किया है। तभी बेटा आज आपके आलिम दीन बनकर मसलत पर बैठ करके लोगों को दर्स दे रहा है। खुशी से जीऊं, मुझे 30,000 की वो कोई लालच नहीं, अगर मुझे ऐसा बेटा मिले। ये कैसे बने? उनकी माँ ने अपने शौहर के तकरीबन 27 साल गायब रहने के बावजूद किस तरह से अकेले बंद उस बच्चे की तरबियत की और इन पैसों को भी बच्चे पर खर्च किया, उनकी तालीम और तरबियत में, दीनी तालीम दीनी तरबियत इस्लामी माहौल में उनको रखा, और इस तरह से वो एक बड़े आलिम दीन बने। उनके बाद इमाम मालिक ने जब उनसे इल्म सीखा तो वो भी इमाम दारुल हिजरा कहलाए। अल्लाह ताला रबी को लाए। इसी तरह से मालिक, इसी तरह से इस्माइल बिन इब्राहिम, इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन जुबैर जैसी माओ को फिर अल्लाह का बड़ा आदमी हमारे समाज और सोसाइटी में पैदा करे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझकर नस्ले नौ की तरबियत में लग जाए, और उन सबके लिए अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही खुशहाल मदद होगा। अल्लाह जजाए खैर दे जिनको बड़े किस किस्म का प्रोग्राम खवातीन के लिए मुनद किया है, यकीन बहुत ही सुखमंद और फायदेमंद है। अल्लाह ताला दामे दिलों में सुखने की जिंदाद को भी जिसका तआमुल हो अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और हम सब के लिए हमारी हाजिरी को पैसे मकबूल कराए। आमीन। वस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये थे हमारा दरबिया शेख समी फौदी हुफिदुल्ला। बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार क्या है, बहुत ही मदल्लल और तारीख के हवाले से बहुत ही मुफीद बातें शेख मौसूफ ने आपके सामने रख की, और इस चीज की वजाहत की सलफ की माओं का सलफ की तरबियत में किरदार क्या था और आज के वक्त में माओं का किरदार क्या है। और इस सिलसिले में अगले शेयर में खरसा अल्लाह तआला का वो वाक्य नकल किया है कि उनके चार बच्चे थे, मार्के कादसिया के मौके पर उन्होंने अपने चार बच्चों को ये कहते हैं कि उनकी हिम्मत अफजाई की है कि अरे मेरे रब्बे जिगर मेरे नजर, तुम इस्लाम में दाखिल हुए हो, अपनी मर्जी से दाखिल हुए हो, और तुम्हारे जो मामू थे, तुम्हारे जो खानदान के लोग हैं, ये भी बड़ी इज्जत वाले हैं, पीछे मत हटना। जब ये चारों के चारों बच्चे मार्के कादसिया में शहीद कर लिए गए,
की तबीयत की बुनियाद पर कितने खुदहार लोग पैदा हुए, अइमा पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, कितने ऐसे लोग पैदा हुए, तारीख की किताबें और ऑस्ट्रिया की किताबें की सिरतों से भरी पड़ी है। तो जरूरत इस बात की है कि काश की आज हमारी इन खवातीन के अंदर, इन माओ के दरमियान भी इस किस्म के मवाद हसना और पुरमस और पुरमदल किताब को सुन के उनके अंदर भी बच्चों की तरबियत का वही जज्बा पैदा हो जाए जो हमारे सलफ की माओ के अंदर था। तो आज हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाए, मुआशरे के अंदर इंकलाब आ जाए। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला तमाम खवातीन को इसकी तौफीक अता फरमाए और उनको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ में हम शेख मौसूफ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद भी और बल्कि कितने ऐसे जगहों से दावत नामे इस तारीख में आए, लेकिन चूंकि ये जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में गर्ले से मोहतरम हमसे जूनियर थे, लेकिन हम लोगों के ताल्लुकात बड़े ही बेहतर थे। इस बुनियाद पर शेख मौसूफ ने उन दावन मुहादरात उन प्रोग्राम में शिरकत करने से मदद कर दी और हमारी दावत पर उन्होंने लंबे कहा। हम तहे दिल से शेख के शुक्रगुजार हैं और ये दुआ शेख के लिए कि अल्लाह तआला इल्म व अमल में मजीद तौफीक अता फरमाए और उनको दावती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की और किताब सुन्नत की तालीमात को लोगों के दरमियान आम करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम के जो सिस्टम के बाद में